का, और देखिए कितने सुंदर हैं क्लाउड। तो मरीरे में ना यहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो है नेचुरल हॉट वाटर के पूल्स हैं। ये चार्जिंग स्टेशन होते हैं, इनको पे करना पड़ता है कि ये फ्री होते हैं? पहली बार हम आ रहे हैं गिस्बन में। यहाँ से ना पत्थरों से खेलेगी बानी, ऐसे ही रिलैक्स होते हैं बच्चे तो हमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं राजीव और हमारी फैमिली जैस पीछे आज तो सहज ने आगे बैठ गई है क्योंकि सहज ने ले ली है मम्मी की सीट। तो आज हम निकले हुए हैं जी गिस्बन के लिए, संडे का दिन है तो गिस्बन घूमने के लिए निकले हैं। गिस्बन हम जो है 3.5 घंटे का रास्ता है हमारे घर से एक तरफ का, और 230 किलोमीटर बता रहा है। हम गिस्बन पहले कभी नहीं गए। हम जब भी ऑकलैंड जाते हैं या और बड़ी सिटी में जाते हैं तो टापो जो सिटी आती है उस तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन गिस्बन हमने कभी नहीं घूमा। तो हमने सोचा कि क्यों ना गिस्बन का ट्रिप किया जाए और क्या क्या देखने वाला है और कैसा दिखता है शहर वो देखा जाए। तो आज हम करेंगे गिस्बन का ट्रिप। आज ना धूप है जो इस साइड से आ रही है तो बानी को ना थोड़ा इची हो रहा है, क्योंकि बानी को पहले थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम पहले से ही है जन्म से ही। तो अब जैस क्या करिए, जैस ना ब्लैंकेट लेके शीशे पे टांग देगी। वैसे तो गाड़ी में एसी चल रहा है लेकिन जो धूप पड़ रही है ना काफी जलन वाली है। न्यूजीलैंड की धूप जो है हमारे इंडिया वाली नहीं है, हमारे हमें वहां पे पसीना बहुत आता है लेकिन यहाँ पे जलाने वाली धूप है, स्किन बर्न हो जाती है अगर आप क्रीम वगैरह नहीं लाते। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर है ना जो ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रा वायलेट करने आती हैं सूर्य से, ओजोन लेयर जो उनको रोकती है, यहाँ पे कहते हैं शेक है उसमें, पता नहीं सच है कि नहीं। तो धूप जो है काफी डेंजरस मानी जाती है। पेट्रोल तो मैंने कल ही डलवाया था तो अभी ऑलमोस्ट जो है टैंकी फुल ही है। जाते जाते तो हम डलवाएंगे नहीं, शायद आते वक्त डलवाएं पेट्रोल। लेकिन बाहर देखिए क्लाउड कितने सुंदर हैं आज, नीला नीला आसमान, थोड़े काले थोड़े वाइट कलर के क्लाउड काफी सुंदर लग रहे हैं। और शूट कर रहे हैं हम नए कैमरे से DJI एक्शन 5 जो के गाड़ी में रहेगा, और पॉकेट DJI पॉकेट जो 3 है वो भी मैंने उठा ली है। काफी सुंदर दिन है आज, घूमने वाला दिन है तो बरसात नहीं बताई है जो कि अच्छी बात है। तो अपना जी यहाँ पे दो रास्ते कटते हैं, एक तो चला जाता है टापो रोटोरुआ, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और दूसरा जाता है वायरोआ गिस्बन। तो हम यहाँ से टर्न नहीं लेंगे, हम जाएंगे सीधा गिस्बन की ओर। वायरोआ फर्स्ट आएगा उसके बाद आएगा गिस्बन। नाश्ता तो हम घर से करके चले थे तो जैसे आगे फिर लंच का क्या प्रोग्राम है? अभी अभी तो हाँ नाश्ता किया, वैसे इतना टाइम नहीं हुआ। वहां पर चल के देखते हैं वहां पे क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। गिस्बन शायद बड़ा ही होगा ना शहर? हाँ मेरे ख्याल से वायर हुआ से तो बड़ा होगा, लास्ट टाइम हम लोग वायर रुके थे ना। हाँ वायर हुआ तो बहुत छोटा था। समंदर भी आ गया है साइड, देखिए गिस्बन में ना कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत होते हैं तो शायद वहां पे और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। वहाँ पे हाँ हाँ शायद न्यू ईयर पे कितना 3-3 दिन के वो क्या उस कॉन्सर्ट उसका RNV वहीं पे होता है। कितना बड़ा कॉन्सर्ट है, न्यूजीलैंड में एक ही होता है वो 3-day कॉन्सर्ट, वो गिस्बन में ही होता हाँ, है। गिस्बन में होता है तो फिर बड़ा ही होगा शायद। चलो पहली बार जा रहे हैं, पता चल जाएगा जाकर। पहाड़ शुरू हो गए हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू है ना, आसमान नीला और ये हरे हरे पहाड़। ये पूरा जो एरिया है मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर का एरिया तो पहाड़ों का ही है, क्योंकि वायरोवा तक तो हम पहले भी आए हैं तो वहां तक तो पहाड़ ही चलेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा रास्ता आएगा आज। पर है बहुत ही सीनिक रूट है ये। सीट चेंज इसलिए हो रही है कि सहज को आ रही थी नींद आ गए, और मम्मी को लग रहा था जैसे ऐसे ऐसे मोड आ रहे हैं ना, तो जैस का हो रहा था बुरा हाल।
इसलिए जैस बोलती है कि मुझे आगे बिठाओ, हमने बिठा लिया जैस को आगे और सहज चलेगी पीछे, है ना सर? तो सहज ने हमको दे दिया हबा बबा, वाह भी वाह सहज, थैंक यू वेरी मच। खा के देखते हैं चुंगम मिली सबसे बड़े बच्चे को, ये तो वेरी फ्लेवर है, बच्चों वाली चुंगम है लेकिन टेस्टी बहुत होती है। तो पहला स्टॉप है जी हमारा टटीरा लेक पे, तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा समय फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वो आ गई है जी सामने टटीरा लेक। तो लो जी हम पहला स्टॉप हमने ले लिया है आज का, तो हम रुके हैं लेक टटीरा पे। लेक टटीरा जो है हॉक्स बे में ही है, हमारे घर से 50 मिनट से एक घंटा लग जाता है। अब बानी यहाँ पे इसको छोड़ दिया खुला ताकि इसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लिए बैठना बहुत हार्ड है। तो ये देखिए यहाँ से ना पत्थरों से खेलेगी बानी, ऐसे रिलैक्स होते हैं बच्चे, तो हमें भी इनको यहाँ कुदरत की गोद में छोड़ देना चाहिए। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ सहज के साथ, मम्मी करेगी बानी की लुक आफ्टर और हम आपको थोड़ा सा लेक का व्यू दिखाते हैं कि लेक जो है कितनी सुंदर है। चलो इस साइड बढ़ते हैं अब, तो वो देखिए क्लाउड देखिए आज कितने सुंदर हैं, कितना आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड में पोल्यूशन बहुत कम है, इसकी वजह से भी जो आसमान इतना सुंदर दिखाई देता है और इतना अच्छे अच्छे रंग आते हैं कि कहना ही क्या। और वो रही जी बिल्कुल सामने लेक, लेक दो दो भागों में बटी हुई है, एक इस साइड है एक दूसरी साइड है, तो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे मैंने कैंपिंग भी की थी एक रात, आपको पता होगा एक वीडियो में मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्री कैंप साइट है, टॉयलेट की व्यवस्था है और आपको पानी वगैरह साफ यहाँ पे मिल जाता है, वैसे आप घर से भी ला सकते हैं। तो ये लिखा भी हुआ है 400 मीटर यहाँ से आगे है कैंप साइट, इस बोर्ड पे लिखा है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं। ये देखिए दो लेक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीच में से रोड जा रहा है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, ज़्यादा लोग नहीं आते समर में, हाँ कैंपिंग करने आते हैं जब क्रिसमस का टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको कई बार बोट्स भी दिखाई देते आती हैं, यहाँ पे डक्स भी हैं इस लेक में, काफ़ी खूबसूरत सी लेक है, काफ़ी शांत सा माहौल है। एक और गाड़ी रुकी हुई है रूफ टॉप, उन्होंने टेंट लगा रखा है। ट्री पता है रिवर गिर गया ना, ये देखिए ये सामने ना रिवर में ट्री गिरे हुए काफी सुंदर लग रहे हैं, रिवर नहीं सॉरी ये लेक है, मैं रिवर बोल रहा हूँ, और ये लेक में ही जमीन से निकले हुए हैं, गिरे नहीं हुए हैं, तो काफी सुंदर लगते हैं ऐसे पानी में से ट्री जो निकले होते हैं, तो काफी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। अच्छा सा समय बिताने के बाद हमने लेक को किए अलविदा, लेकिन लेक जो है ना काफ़ी बड़ी है, हमारे साथ साथ रोड के चल रही है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रुककर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दिन जो है बहुत सुंदर है आज और काफ़ी साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा माहौल था, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बॉडी को स्ट्रेच कर लिया और अब हम बढ़ चले हैं आगे की ओर। बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है, तो देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ आ रहे हैं और हरा भरा रास्ता है, न्यूजीलैंड मोस्टली आपको ग्रीन मिलेगा, तो इसीलिए न्यूजीलैंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग जो है ना न्यूजीलैंड में सिटीजन लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैसे बहुत बनते हैं और न्यूजीलैंड से जो मिनिमम वेज है ज़्यादा है, डॉलर की कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा है, पर जितना खूबसूरत जितना हरा भरा न्यूजीलैंड है, इतना अच्छा न्यूजीलैंड का एनवायरनमेंट है, मुझे नहीं लगता कि किसी दुनिया में और कंट्री का इतना अच्छा इतना हरा भरा एनवायरनमेंट होगा, और लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे, आपको कभी महसूस ही नहीं होता कि आप आपको बुरे लोग तो हर एक जगह एक दो तो मिलेंगे ही, लेकिन एक दो को छोड़ के बाकी जितने भी लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में न्यूजीलैंड में मिले हैं काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग मिले हैं, और यहाँ का कहना तो एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या। तो न्यूजीलैंड में ना कुछ साल पहले साइक्लोन आया था, अभी भी जहाँ पे हम रहते हैं हॉक्स बे गिस्बन एरिया, जो उस साइक्लोन से यहाँ पे बहुत डैमेज हुआ था, गैब्रियल उसका नाम था, और उसके बाद जो सड़कें हैं अभी भी बन रही हैं, बहुत से ब्रिजेस हैं अभी भी बन रहे हैं, तो इसी कारण से हमें जगह जगह पे रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे भी सड़क अभी जो आगे ब्रिज है वो बन रहा है, तो रास्ते में एक शहर आता है, जब आप नेपियर से गिस्बन आते हैं तो रास्ते में वायरोआ शहर आता है, तो हम पहले यहाँ तक तो आए हुए हैं क्योंकि हम कैंपिंग के लिए गए थे लेक वाइकरमोआना में, तो यहाँ से ही लेक वाइकरमोआना का रास्ता साइड से निकल जाता है, लेकिन यहाँ से जो आगे का सफर है हमने पहले नहीं किया,
तो वायरोवा शहर हम पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है वायरोवा शहर में, और वायरोवा शहर है ना जो मौरी हिस्ट्री के लिए काफी मशहूर है, जो पहली मौरी की सेटलमेंट्स हुई थी वायरोवा में, गिजबन में। तो यहाँ पे आपको पुरानी सेटलमेंट्स जो थी इन एरियाज में हुई थी मौरीज की। तो अभी भी बहुत सी जो मौरी जो न्यूजीलैंड के नेटिव निवासी हैं, जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, अभी भी यहाँ पे ही रहते हैं काफी गिनती में। हम गुजर रहे हैं जो वायरोवा का छोटा सा बाजार है जो मेन सिटी सेंटर है उसके पास में से गुजर रहे हैं, और आपको बता दें कि हमारा जो आज का सफर है हमारे घर से लेकर गिजबन तक का 3 से 3.5 घंटे का रहने वाला है, डिपेंड कि हम कितना रुकते हैं। 2-3 स्टॉप तो हम बच्चों के साथ ले ही लेंगे, अगर आप लगातार चलते हैं तो 3 घंटे 16 मिनट बताता है मैप्स। और मैं आपको बता दूं कि जो किलोमीटर्स में अगर काउंट करें तो ये किलोमीटर्स बन जाते हैं 230 किलोमीटर। यहाँ से वाइकर मोहाना इस साइड निकल जाता है और हमें जाना है माहिया गिजबन की ओर, तो हम ले लेंगे यहाँ से राइट टर्न, वो सामने आ गया है रोड। तो लास्ट टाइम हम गए थे लेक वाइकर मोहाना की ओर, तो इस समय जा रहे हैं माहिया गिजबन की ओर। गिजबन यहाँ से ना 98 किलोमीटर बता रहे हैं वायरोवा से, जैसे ही हमने क्रॉस किया वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, हमारे मैप्स बता रहे हैं 96 किलोमीटर। तो देखेंगे, बच्चों को वैसे हमें भूख लग चुकी है, बच्चों को भी। तो रास्ते में एक डेयरी शॉप तो आई थी, लेकिन हम सिटी सेंटर में नहीं गए वायरोवा के, तो डेयरी शॉप पे चिकन चिप्स मिल रहा था, तो चिप्स खाने का भी मन नहीं था, कुछ देखते हैं अच्छा सा खाने को मिल जाए तभी रोकेंगे, और रास्ता देखते हैं कि कैसा है इस साइड, क्योंकि पहले कभी नहीं आए हम वायरोवा तक आए हैं, वायरोवा से आगे पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख लेते हैं कैसा रास्ता है। तो आप भी देख लीजिए, ऐसे रास्ते तो सारे सेम ही होते हैं, लेकिन जो पहाड़ वगैरह होते हैं, प्लेन है या पहाड़ी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन पूरे का पूरा न्यूजीलैंड ही जितना भी हमने घूमा है मोस्टली हमको सीनिक ही रास्ते मिले हैं। व्यू आया है जैसे हम ऊपर के पॉइंट पे आए थे। कल रात इधर भी बरसात हुई थी और हेस्टिंग में भी बरसात हुई थी, बरसात की वजह से ना काफी जो उसके बाद ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो काफी देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन जो है घास और छोटे छोटे पहाड़ हैं, काफी सुंदर लग रहा है। ये एरिया थोड़े बहुत है, पहाड़ तो आ रहे हैं, लेकिन ना गाड़ी जो हमारी है, मैं पिछले 20-25 मिनट से चला रहा हूँ, वायरोवा के बाद का एरिया जो है काफी प्लेन ही एरिया है। और देखिए कितने 3D इफेक्ट वाले क्लाउड है, काफी मजा आ रहा है ड्राइव का, और देखिए कितने सुंदर हैं क्लाउड। इस साइड सारा समंदर है, यह है समंदर, दूर दूर तक समंदर, आपको रास्ते में फार्म भी दिखाई दे जाएंगे, ये देखिए काउ फार्म लग रहा है ये, तो उसके पीछे रोड के साथ साथ समंदर भी चल रहा है। तो फिर चल दिए हैं हम अपनी मंजिल की ओर, और हम रास्ते में थोड़ा सा हमने जहाँ पे रुके थे थोड़ा सा चिप्स थी हमारे पास, चिप्स का देखिए सेवन कर लिया है। तो थोड़ा बहुत फूड हम घर से लेकर चलते हैं, क्योंकि रास्ते में बच्चों के साथ हैं तो इनको कभी भूख लग गई, कभी कोई इन्हें प्यास लग गई, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि घर से ही लेकर चला जाए फूड। तो यहाँ पे जी एक और टर्न आ गई है, गिजबन जा रहे हैं इस साइड,
इस साइड अगर माइया जाना चाहते हैं, यहाँ पे बीच है, या तो आपको दूसरी साइड जाना होगा, राइट साइड हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट साइड गिस्बन ओपोटिकी की ओर। तो ओपोटिकी एक और शहर आएगा इस साइड, शायद पहले देखते हैं ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पहले आएगा जी गिस्बन, गिस्बन से पहले आएगा मोरेरे, उसके बाद 66 किलोमीटर पे आएगा गिस्बन। उस प्लेस जहां से हमने टर्न ली है वहां पे लिखा था नुहाका, नुहाका से हमने ये टर्न लिए। तो ये भी काफी खूबसूरत है, तो ये आया है मोरेरे, MORERE मोरेरे। तो ये पता नहीं ये शायद शहर है या क्या है, इसमें मैं गूगल सर्च कर रहा था रास्ते में लेकिन इंटरनेट नहीं चला, तो अब शायद चले इंटरनेट क्योंकि शहर आया है। देखते हैं अगर कोई शॉप हुई तो यहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते चलेंगे। तो मोरेरे में ना यहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो है, नेचुरल हॉट वाटर के पूल्स हैं, जो कि 10 मिनट की वॉक पे है यहाँ से नीचे की। यहाँ पे हम पार्किंग में रुके हुए हैं और कुछ नहीं लगा मुझे मोरेरे में। तो ये देखिए ये पूल्स हैं, और गिस्बन हमें जाना है, यहाँ पे कोई खाने पीने का सामान होता तो हम रुक जाते क्योंकि भूख लगी हुई है, और हमारा कोई विचार नहीं है आज इन हॉट जो नेचुरल पूल्स हैं इनमें जाने का। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे रोक के दिखा दिया। अगर आप आ रहे हैं इस रास्ते में, अगर आप टॉवल, बिकॉज हम कपड़े वगैरह नहीं लेकर आए, स्विमिंग वाले यहाँ पे स्विमिंग वाले या वेट जो क्लोथ होते हैं वो ही आप डाल के पूल्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास आ रहे हैं इस एरिया में तो आप ये पूल्स भी ट्राई कर सकते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसे पूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना जी ये सामने देखिए, आपको बैटरी की, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन भी, ये रहा सामने, तो चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोरेरे में, जहाँ पे हॉट पूल्स की एंट्री है वहीं उसके पास ही है। तो यहाँ पे बहुत से चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे अब पेट्रोल पंप भी नहीं है न्यूजीलैंड में, लेकिन चार्जिंग स्टेशन इन्होंने लगा दिए हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। अगर इलेक्ट्रिक कार वाले हैं आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये चार्जिंग स्टेशन होते हैं, इनको पे करना पड़ता है कि ये फ्री होते हैं? ये चार्जिंग स्टेशन ना मोस्टली जो है पेड है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दें ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप, मोस्टली जो चार्जिंग स्टेशन है पेड ही होते हैं न्यूजीलैंड में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ही पेड होते हैं। तो ऐप वगैरह होती है, ऐप डाउनलोड कर लो, जितनी आपकी चार्ज हुई उतने ही पैसे आपके कार्ड से कट जाएंगे, फिर भी पेट्रोल से सस्ती रहती है। हाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड में सिटी भी ना बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक नहीं है ना, बहुत दूर दूर होते हैं, तो चार्जिंग स्टेशन तो मस्ट है ना। तो यहाँ पे आके ना हद खत्म हो जाती है हॉक्स बे की। तो हॉक्स बे देखिए कितना बड़ा था, कितना समय हो गया हमको चलते हुए। तो हॉक्स बे यहाँ तक था, मोरेरे से भी काफी किलोमीटर बाहर आने के बाद हॉक्स बे, जहाँ पे हेस्टिंग नेपियर है, हेस्टिंग में हम रहते हैं, हमारे शहर का जो स्टेट थी, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं पंजाब यूपी बिहार, ऐसे ही यहाँ पे भी स्टेट्स हैं। तो हॉक्स बे यहाँ पे एंड होता है। अब गिस्बन वाले एरिए में हम एंटर हो चुके हैं। गिस्बन अपने आप में ही एक रीजन है, ईस्ट कोस्ट नॉर्थ आइलैंड में आता है, लेकिन बाहर देखिए जो जंगल है ना, जैसे जैसे गिस्बन की ओर बढ़ रहे हैं ये जंगल का एरिया थोड़ा सा घना होता जा रहा है, और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ भी पड़ जाती है कई बार। और ये देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ आया था आइस ग्रेट रास्ते में बीच बीच में। यहाँ पे जितने भी जो बेंड आ रहे हैं रास्ते में, जो मोड़ आ रहे हैं 30 का 35 का, यहाँ पे अभी भी आधे घंटे का जो है गिस्बन का सफर बचा है, और कहीं कहीं पे तो समंदर भी दिखाई दे जाता है। बहुत ही सुंदर व्यू आते हैं रास्ते में जब हम ऊंचाई पे होते हैं,
रोड भी देखिए कितना स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ रोड है। यूजली इतना स्मूथ रोड हमें पीछे नहीं मिला। गाड़ी के बस इंजन की आवाज आ रही है, टायरों की तो आवाज ही नहीं आ रही, इतना स्मूथ रोड। रास्ते में ना मैंने नोटिस किया है कि गिस्बन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो ऑर्चर्ड वगैरह जो हैं शुरू हो चुके हैं, तो कोई हमें लाइटें दे रहा है शायद ना, उनका उसका स्टॉक आ रहा होगा। तो ऑर्चर्ड काफ़ी हैं गिस्बन के एरिया में भी, तो ऑरेंजेस वगैरह बहुत होते हैं। बाहर का दिखा देता हूँ व्यू, ये पता नहीं ये जो सामने है ना, ये इन्होंने लाइटें, हाँ यहाँ पे ऑरेंज बेच रहा है इसलिए लाइटें, अगर ऑरेंज चाहिए तो ऑन रोड ही ऑरेंज बेचे जा रहे हैं देखिए। तो इसलिए गिस्बन में मेरे ख्याल से काफ़ी ऑरेंज के ट्रीज हैं और फेमस भी है। कई बार सुपर मार्केट में भी हम जाते हैं ना, हमारे शहर में तो लिखा होता है गिस्बन ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस के साथ यहाँ पे वाइनरीज भी हैं, तो लिख के लगा रखा है कि 400 मीटर आगे चल के वाइनरी भी आएगी। सहज को आ गई है नींद, सहज तो पीछे सो गई है। अभी भी 10-12 मिनट पड़े हैं यहाँ से, तो एक और टर्न लेनी होगी यहाँ से गिस्बन ओपे टिक्की की ओर। 2.8 किलोमीटर से पे जाकर टर्न आएगी, हमारा मैप बता रहा है। तो यहाँ से गिस्बन जी स्टार्ट हो जाता है, तो 50 की स्पीड हो गई है यहाँ से। कोई कोई घर भी दिखाई देने लग गया है और सामने दिखाई दे रहा है कार्लटेक्स। सिटी सेंटर जो है, मेन जो सिटी है, वो अभी भी 5.8 किलोमीटर 8 मिनट का समय बता रही है हमारी जो मैप है। चलो तो जी देख लीजिए, गिस्बन शहर ऑलमोस्ट हम एंट्री हो चुके हैं। देख लीजिए ट्रीस भी आ चुके हैं, जैसे हवाई वाले ट्रीस होते हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ये ट्रीस। नेपियर में भी हैं ऐसे ट्रीस, तो काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं। कोई कोई सड़कों के जो इधर बने हुए हैं वॉकवे, उन पर चल भी रहा है। तो मोटेल्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। पहली बार हम आ रहे हैं गिस्बन में, एक और नया शहर। दोस्तों ये हमारा सफर था नेपियर से, लगा लीजिए, या हेस्टिंग से, हमने तो हेस्टिंग से शुरू किया था, तो नेपियर से गिस्बन तक का। आपको ये कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। हम उस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको गिस्बन शहर।